क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की ठाकरे पॉलिटिक्स से बीजेपी खुश नहीं है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी में अकेले पड़ गए हैं? क्या पार्टी में ही ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध शुरू हो गया है? अचानक ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं कि जहां ब्रजभूषण शरण सिंह ठाकरे के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं, पूरे उत्तर भारत में लोगों को लामबंद करने के अभियान में जुड़ गए हैं, तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के अभियान में न तो पार्टी का कोई बड़ा नेता साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और न ही पार्टी संगठन का समर्थन दिखाई दे रहा है, बल्कि इसके ठीक उलट बीजेपी के ही एक सांसद ने ब्रजभूषण शरण सिंह के इन बयानों की हवा निकाल कर रख दी। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के इस ठाकरे अभियान की खिलाफत करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि राज ठाकरे का अयोध्या में स्वागत है, जब आना चाहें, जैसे आना चाहें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। जरा सुनिए क्या कहा सांसद लल्लू सिंह ने। वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा हम बहुत नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन भगवान की शरण में जो भी आएगा हमारा कहना उसका हम सब स्वागत। अब जरा ब्रजभूषण शरण सिंह के इन दावों को दोबारा सुन लीजिए। और लल्लू सिंह हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। उनको पता है कि ब्रजभूषण ने जब बोल दिया नहीं आना है तो नहीं आना है, वो जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी ना वो आएगा ना स्वागत करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ दम नहीं है, आगे बढ़िए। राज ठाकरे मौन है, उनकी पार्टी मन से भी मौन है, लेकिन यूपी में हाहाकार मचा है। ब्रजभूषण शरण सिंह और अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह राज ठाकरे के खिलाफ दिन भर बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए पूरे उत्तर भारत के लोगों को लामबंद कर रहे हैं, तो वहीं उनके खिलाफ अयोध्या से ही सांसद लल्लू सिंह बयान दे रहे हैं। जाहिर तौर पर ब्रजभूषण सिंह और लल्लू सिंह के बीच राज ठाकरे के मुद्दे पर तलवारें खिंच गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या लल्लू सिंह की तरफ से आया यह बयान बीजेपी का स्टैंड है या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों में बीजेपी की सहमति है। लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब अपने बयान बदले हैं कि दरअसल राज ठाकरे के विरोध का फैसला पार्टी का नहीं मेरा खुद का है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ नहीं। स्वागत और विरोध की सियासत में पार्टी किसके साथ खड़ी है यह तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के इस ऐलान के बाद पार्टी ने चुप्पी साधी है, उसके बाद तो इतने संकेत जरूर मिलते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सियासत चमकाने के लिए राज ठाकरे को मोहरा बना रहे हैं। अगर वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर भारतीयों के इतने हिमायती थे तब उन्होंने उद्धव ठाकरे का तब विरोध क्यों नहीं किया जब वो अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे के आगामी 10 जून के अयोध्या दौरे का विरोध क्यों नहीं किया जबकि वह भी उन्हीं बाला साहब के सुपौत्र हैं जिन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ इस नफरत की सियासत की शुरुआत की थी। भला उनका विरोध ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं कर रहे हैं? राज ठाकरे के खिलाफ सिलेक्टेड विरोध की पॉलिटिक्स किसी के गले नहीं उतर रही। जाहिर तौर पर पार्टी के अंदर भी एक खेमा ऐसा है जो मानता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह महज खुद की सियासत को चमकाने के लिए राज ठाकरे के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में ठाकरे से दो दो हाथ करने से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनों से ही जंग लड़नी पड़ेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी के किनारा करने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह इसी मजबूती से राज ठाकरे का विरोध करते हैं या नहीं। अस्तित्व न्यूज के लिए अयोध्या से ज्योति जायसवाल की रिपोर्ट।